Welcome. दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके पार्ट वन वीडियो में, जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ की जलवायु से वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर देखेंगे, जो कि टोटल 30 MCQ रहने वाला है। ठीक है, जो लोग हॉस्टल वार्डन, SI भर्ती, साथ ही लेबर इंस्पेक्टर, ADO की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 15 से 20 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्लास वाइज, टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो जल्दी से जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुँच पाए। और इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखना, क्योंकि यहाँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो आपके विगत वर्षों से हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कौन से प्रकार की है? तो ये आपका शुष्क उपाद्रीय जलवायु, शुष्क उपाद्रीय जलवायु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वाला जिला कौन सा है? तो चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला यानी कि क्षेत्र कौन सा है? तो अबूझमाड़ की पहाड़ी है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग CGPSC व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, है ना। जिन लोगों को वीडियो पसंद नहीं आता तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, या फिर देखना नहीं चाहते तो बिल्कुल वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल फ्री क्लास लेकर आया हूँ। अगर और भी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे हॉस्टल वार्डन हो गया है, SI भर्ती हो गया है, उसके बाद आपका लेबर इंस्पेक्टर हो गया, ADO हो गया है, अगर उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से बिल्कुल फ्री क्लास कराया जा रहा है। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे दिए गए जाके आप देख सकते हैं। साथ ही अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो DJ यहाँ पर दिए गए हैं, वहाँ पर जाके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? CGPSC 2012 में पूछा गया है। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, अब चलिए राज्य में किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसे एग्जाम में पूछा गया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा क्या आएगा आंसर। जितने भी जुड़ चुके हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, सभी लोगों को आंसर आना चाहिए क्या होगा, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, बिल्कुल सी आंसर होगा। ठीक है, जुलाई अगस्त में। शीत ऋतु में किस महीने में राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? तो आपका दिसंबर, जो शीत ऋतु है उसमें आपका दिसंबर में सबसे कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अबूझमाड़ क्षेत्र राज्य के किस जिले में है? नारायणपुर जिले में है। ठीक है, टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया जल्दी से जाइएगा, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे उसी को मैं नोटिफिकेशन भेजने वाला हूँ, और बिल्कुल फ्री क्लास रहेगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री, निःशुल्क के साथ कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। वीडियो आपको काफ़ी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पार्ट टू वीडियो चाहिए तो पार्ट वन वीडियो में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर पार्ट वन वीडियो में आपका, जो कि क्लास चल रहा है, अगर उसमें परफॉर्मेंस आप सभी का अच्छा रहता है तो मैं वीडियो को पार्ट टू वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित में से होती है? आपका ये भी CGPSC 2012 में पूछा गया है, तो कौन सा है जल्दी से कमेंट कर बताइए। आंसर है लौटते हुए मानसून, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी मानसून, या आंसर सी दक्षिण पूर्वी मानसून, आंसर डी पश्चिमी गत से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा लौटते हुए मानसून से। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्षा का प्रथम आगमन किसके आसपास बस्तर जिले के दक्षिण छोर पर होता है? तो 10 जून याद रखना, और छत्तीसगढ़ में आपका 15 जून से स्टार्ट हो जाता है। कब? 15 जून से छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो कि 15 जून नहीं ना, 15 मई, से प्रारंभ हो जाता है इधर, है ना, लेकिन इधर 10 जून है, और छत्तीसगढ़ में आपका 10 से 15 जून में प्रारंभ हो जाता है। जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया है? तो जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों? 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि छत्तीसगढ़ की जलवायु को 3 भागों में बांटा गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिनको मालूम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जिनको भी मालूम है, और जो गधे हैं वो नहीं बताइएगा। ठीक है, जिनको मालूम नहीं हो कहाँ से बताएगा, जिनको मालूम है वही कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा ना। हाँ,
गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे सही कौन सा है गलत कौन सा है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में तीन भागों में विभाजित किया वो कौन कौन से हैं, ठीक है। आप जिनको भी मालूम होगा कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी आपका हो जाएगा अबूझमाड़ की पहाड़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी को कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मई माह में राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? चांपा, बिलासपुर, रायगढ़ या शिमला? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिएगा। मई माह में यानी कि मई माह में सबसे ज़्यादा गर्म स्थल कौन सा है? चांपा, ठीक है, चांपा है, बिल्कुल सही है। जितने लोगों का आंसर ए है बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है सरगुजा और जसपुर से, ठीक है, सरगुजा और जसपुर से। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान किस जिले में मिलता है? तो वह है आपका रायगढ़ जिले में, ठीक है, कौन सा? रायगढ़। पहाड़ी भागों में स्थित पेंड्रामेन पर्वत जसपुर न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र ऐसा कि कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कर्क रेखा से दूरी, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई, वनों का अधिक, क्या है ना, ये बिल्कुल सही है। राज्य में अधिकतम वर्षा किन किन जिलों में होती है? तो ये सब में, जसपुर में, उत्तरी रायगढ़, धंतेवाड़ा, सब में होता है। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना है आपका मई महीना, जो कि अभी चल रहा है, ठीक है, कौन सा है? मई महीना, जो कि अभी चल रहा है। उसके बाद कौन से यार महीना आने, जून आएगी, ठीक है, तो अभी मई चल रहा है, कौन सा? आज 25 मई है, ठीक है। 25 मई को आपको मैं छत्तीसगढ़ की जलवायु से एक संबंधित क्लास करा रहा हूँ। जो लोग आपको व्यापम पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मैं फिर से कहूँगा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं, प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पार्ट टू वीडियो चाहिए तो जल्दी जल्दी यहाँ पर कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडे महीने में क्या होता है? छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडे महीने कौन से होते हैं? दिसंबर और जनवरी होता है बच्चा, ठीक है। ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ग्रीष्मकाल में आपका चांपा, ठीक है, कौन सा है? चांपा। अभी मैं बताया ना आपको, चांपा जिला सबसे गर्म स्थान, और सबसे ठंडा दिन कौन सा है? दिसंबर और जनवरी, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलिए, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान का दर्जा कहाँ दिया जाता है? अंबिकापुर में, ना याद रखना, अंबिकापुर में। सर चलिए, आप सभी के लिए बता, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? नागलोक किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कीजिए, जिनको मालूम है जल्दी से आंसर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्सों में आंसर दीजिएगा। जितने भी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, एक बार कमेंट करके स्टार्ट कर दीजिएगा जल्दी से। जिनको मालूम है, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, हम आपको आंसर बताएंगे। छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? हाँ, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी के लिए एक और क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी, लंबी नदी कौन सी, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा मानसून की शाखा कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से आती है, ठीक है। राज्य में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र? दक्षिण पश्चिम लोरमी का पठार। चलिए, छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? तो आपको मध्यम वर्षा क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ के किस माह में दैनिक तापांतर है? तो मार्च में, ठीक है। चलिए, कांकेर और जगदलपुर किस महीने तापांतर है? मई महीने में, जो कि अभी चल रहा है, ठीक है, मई। आज आपका 25 मई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं फिर से सब्सक्राइब करके रख लो, बिल्कुल। हाँ, तीन तीन क्लास चल रहा है बच्चा, यहाँ पर तीन तीन क्लास। राज्य में अधिकतम औसत वार्षिक तापमान किस जनपद में मिलता है? रायगढ़। राज्य किस महीने में कुछ समय से तापमान बढ़ते द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं? अक्टूबर, ठीक है। चलिए, जलवायु के आधार पर विभाजित कौन सा प्रक्षेत्र सटा हुआ है? झारखंड। मैकल सड़ी का कौन सा भाग वृष्टि छाया वाला है? तो पूर्वी, ठीक है, कौन सा है? पूर्वी। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकल सरणी के कारण वृष्टि छाया कांसिक क्षेत्र नहीं है? जगदलपुर। और आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी या आंसर डी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। बस्तर, जसपुर, सरगुजा, रायगढ़, इन चारों में से कौन सा एक होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। वीडियो कैसा लगता है आप लोग सभी बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो पसंद आता है, तो यस सर करके लिख दीजिएगा। पार्ट टू वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, सर पार्ट टू वीडियो लेकर जरूर आएँ, ठीक है। आज के लिए इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।